पाकिस्तान की कराची में रहने वाली भारतीय लड़की गीता से जुड़ी खास पेशकश हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इसी पर बड़ी खबर आपको बता दें। भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि गीता ने अपने माता पिता को पहचान लिया है। 3 तस्वीरों का सेट कराची भेजा गया था, जिसमें से एक तस्वीर को गीता ने अपने माता पिता की तस्वीर बताया है। गीता को वापस भारत लाने की प्रक्रिया के बाद उसका DNA टेस्ट करवाया जाएगा और इसके बाद गीता को उसके परिवार को सौंप दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप का कहना है कि गीता बहुत जल्द भारत लौटेगी। है वो कई वर्षों से पाकिस्तान में है, ये कि वो भारतीय है इसका निर्णय हो चुका है और हम वो दस्तावेज उसको प्रदान करने वाले हैं जिनकी मदद से वो भारत आ सकेगी। गीता के कई कुछ लोगों ने हम लोग को पत्र लिखे और कहा कि गीता हो सकता है उनकी बेटी हो, तो विदेश मंत्री ने पहले जो हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको पत्र लिखे और उनसे कहा कि वो पहले अपने तौर पर इस बात की जानकारी लें कि वाकई ये मैच करती है उस इन्फॉर्मेशन से जो हमारे पास गीता के बारे में है, और उसके पश्चात 3 सेट्स ऑफ फोटोग्राफ्स हमने गीता को अपने हाई कमीशन के द्वारा भिजवाए कराची में। उन 3 फोटोग्राफ्स को देखने के बाद गीता ने एक सेट ऑफ फोटोग्राफ्स के बारे में कहा कि वो शायद उसके माता पिता हो सकते हैं, तो लेकिन परिवार की पहचान करने पर ही ये निर्भर नहीं करता है कि हम गीता को वापस लाएं। गीता भारत की बेटी है और हमें उसको वापस लाना हमारा कर्तव्य है और शीघ्र से शीघ्र हम उसे वापस ला रहे हैं। हमने इंदौर और दिल्ली में कुछ उपयुक्त संस्थाएँ चिन्हित की हैं जो माँ बाप के ना मिलने पर भी जो उसकी देखभाल कर सकेंगे, और बहुत जल्दी ही हम आपको बताएंगे कि गीता किस दिन वापस आ रही है। उसके पश्चात DNA टेस्टिंग होगी उस परिवार की जिसकी तस्वीर गीता ने देखकर कहा है कि शायद वो उसके परिवारजन हैं, बट जैसा भी होगा गीता वापस भारत आ रही है और बहुत ही शीघ्र हम आपको उस डेट से अवगत कराएंगे जिस दिन वो भारत में जिस दिन गीता का आगमन होगा। तो गीता के लौटने की पुष्टि और साथ ही आगे क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा इसके बारे में जानकारी विकास स्वरूप देते हुए आप सुन रहे थे। 14 साल से जिन आंखों में आंसू थे वो आंखें एक तस्वीर देखकर खुशी से चमक उठी। जो लड़की कभी अपने घर का पता नहीं बता सकी वो अचानक अपने घर लौटने के लिए बेकरार है। भारत सरकार ने जो तस्वीर भेजी थी उसे गीता ने पहचान लिया है। अब कराची से गीता के हिंदुस्तान लौटने की उम्मीदों को जल्द ही मंजिल मिल जाएगी। खामोश लबों की दुआ जैसे कबूल हो गई। गम से भरी नम आंखों में अब खुशी के आंसू छलकेंगे। जो किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकी, जिसकी आवाज कभी किसी ने नहीं सुनी, उसी गीता की खामोश सदाएं असर दिखा रही हैं। जिस सच्चाई को करीब 14 साल में ना पाकिस्तान समझ सका और ना हिंदुस्तान, वो सच अब गीता की निगाहों से बयां हो रहा है। हिंदुस्तान से गलत बस में बैठकर गलती से सरहद पार पहुंची गीता ने 14 साल बाद अपने माता पिता और भाई बहनों को पहचान लिया है। अब्बू कह रही है, अब्बू है मेरा। अच्छा, थोड़ा सा तस्वीर हल्का सा उठा लें अगर वो, और अम्मा कौन सी है, अम्मा को दिखाने जरा बताइए तस्वीर में। मम्मी कौन है? मम्मी हाँ, ये इसकी वालदा है जो पीले कपड़ों में है। ये बहन है इसकी। उससे छोटी है, उससे बड़ी है? गीता कितने नंबर पर थी? गीता छोटी है, सबसे छोटी है, और ये बहन इसकी बड़ी है। अच्छा, गीता को पूछिए जरा कि वो कितनी एक्साइटेड है इस वक्त वापस आने के लिए। क्या इंतजार कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है? ये मुझे कह रही है कि मेरी फैमिली को स्काइप पे लाओ। गीता ने अपने घर का पता, अपने परिवार की पहचान बताने की कोशिशें तो बहुत की, कभी हाथों के इशारों से, कभी आंखों के जरिए, कभी भारत के नक्शे पर अपने घर की तलाश करते हुए, मगर जुबा से एक लफ्ज भी नहीं निकल सका। इसीलिए शायद इतनी देर हो गई। मगर अब गीता अपनों के बीच लौट सकेगी, उसके हिंदुस्तान लौटने की कोशिशें अब परवान चढ़ सकेंगी। खबर है कि कराची में रहने वाली गीता को भारत के विदेश मंत्रालय ने कुछ तस्वीरें भेजी थी। गीता ने उन तस्वीरों को पहचान लिया है। इस्लामाबाद उच्चायोग ने बिहार के एक परिवार की तस्वीरें दिखाई तो हमेशा खामोश रहने वाली गीता की आंखें चमक उठी।
ने तस्दीक कर दी कि जिस परिवार की तस्वीरें उसे दिखाई गई हैं, वो उसका अपना परिवार है। भारत सरकार का कहना है कि सारे पहलुओं की जांच के बाद गीता की वतन वापसी जल्द कराने की कोशिश होगी। गीता बहुत जल्द भारत लौटेगी, हमने उसके परिवार का पता लगा लिया है, लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद ही गीता को उसके परिवार को सौंपा जाएगा। परिवार और गीता के बीच सरहदों ने इतना फासला बढ़ा दिया कि 14 साल का वक्त गुजर गया। कराची के एडी फाउंडेशन के मुताबिक करीब 10 साल की उम्र में गीता को बॉर्डर के पार पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया था। बाद में उसे कोर्ट के आदेश पर कराची के एक एनजीओ एडी फाउंडेशन में दाखिल करा दिया गया। खबर है कि अब भारत और पाकिस्तान की सरकारें मिलकर गीता को बहुत जल्द हिंदुस्तान भेजने की तैयारी कर रही हैं। यूं तो गीता से जब भी उसके परिवार के बारे में पूछा गया तो उसने हमेशा हाथों के इशारों से सब कुछ बताया। कभी भगवान के सामने हाथ जोड़कर गुजारिश की तो कभी मीडिया के सामने, मगर सही तौर पर कभी कोई गीता की बात नहीं समझ सका। फिर भी ना गीता ने उम्मीद छोड़ी ना भारत सरकार ने। पाकिस्तान उच्चायोग से बात करने के बाद भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने गीता से मुलाकात की और अब उसकी वतन वापसी का रास्ता लगभग तैयार हो चुका है, यानी गीता की खामोशी बहुत जल्द खुशियों में तब्दील हो जाएगी। इस्लामाबाद से कसवर क्लासरा और दिल्ली से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। गलती से सरहद पार चली गई गीता को वापस लौटने के लिए न जाने क्या कुछ सहना पड़ा, मगर वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ बोल नहीं सकती थी। सिर्फ इशारों में अपनी बात समझाने वाली गीता को कराची के एडी फाउंडेशन ने न केवल पनाह दी बल्कि उसे उसके घर पहुंचाने के लिए मुहिम भी चलाई। अगर बोल सकती तो गीता अपनी हर बात पाकिस्तान सरकार को बता देती, हिंदुस्तान में अपने घर का सही पता बता देती, ये भी बता देती कि किन हालात में वो सरहद पार करके चली आई थी। मगर तब उसकी खामोशी ही वतन वापसी में सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। गीता आज भी बोल नहीं सकती ना ही सुन सकती है, वो सिर्फ इशारों की भाषा समझती है और अपनी बात इशारों में ही समझाने की कोशिश करती है। करीब 11 साल की उम्र में जब गीता सरहद के उस पार चली गई तो दिन रात अपने घर वापस लौटने की मन्नतें मांगती रही। वक्त के साथ गीता की वतन वापसी की कोशिशें तो जारी थी लेकिन उम्मीद छूटती जा रही थी। मगर एडी फाउंडेशन के संस्थापक अब्दुल सत्तार एडी और उनकी पत्नी बिल्किस ने हार नहीं मानी। अपने शेल्टर होम में आने पर उन्होंने ही इसका नाम गीता रखा। वो अक्सर उसके परिवार के बारे में पूछने की कोशिश करते। ये कोशिशें करीब 14 साल से यूं ही चलती रही। इस मुहिम में कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी भी शामिल हो गए। उन्होंने गीता के लिए फेसबुक पर पेज बनाया और भारत के लोगों से उसे पहचानने की अपील की। पाकिस्तानी मीडिया में गीता को लेकर खबरें आईं, तो हिंदुस्तान में भी गीता को भारत वापस लाने के लिए मुहिम शुरू की गई। गीता की खबर देश के हर कोने में पहुंचाई गई। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बातचीत की और गीता की वतन वापसी का रास्ता तैयार होने लगा। हमें सिर्फ ये तस्वीरें भेजी गई हैं जो कि गीता को मैंने दिखाई थी और उसने रिकॉग्नाइज की है, और अब जो है जाने की तैयारियां हैं। अब देखते हैं कौन सी डेट जो है वो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री हमें देती है इसको ले जाने के लिए। दो डेट्स थी, एक 19 थी, एक 26 अक्टूबर थी, तो उम्मीद है कि ये 26 अक्टूबर को ही जा सकेगी।
पाकिस्तान और भारतीय उच्चायोग गीता के मुद्दे पर लगातार संपर्क में रहे। भारत सरकार से भी पाक सरकार ने गीता के मामले पर कई बार बातचीत की। भारत के कई राज्यों में लोगों ने गीता को अपनी बेटी बताया था। भारत सरकार ने तमाम पहलुओं की पड़ताल करवाई। भारत सरकार ने बिहार के एक परिवार की तस्वीर पर भरोसा किया। वो तस्वीर इस्लामाबाद में पाकिस्तान उच्चायोग को भेजी। तो दोनों देशों की कोशिशें मिलकर ये रंग लाई हैं कि गीता की अब वतन वापसी होगी। इस वक्त गीता हमारे साथ आज तक पर मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ फैजल ईदी साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने गीता को पनाह दी, गीता जिनके पास है। और देखिए तस्वीर में आप इस वक्त वो फोटो देख पा रहे हैं जो गीता के हाथ में है। ये मील का पत्थर साबित हुई है इस कोशिश में, क्योंकि इसी फोटो के जरिए गीता ने अपने माता पिता को पहचाना है। फैजल साहब, गीता, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। गीता के चेहरे पर हम एक खुशी भी देख सकते हैं भारत लौटने की, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, ये तस्वीर किस तरह से गीता ने पहचानी, कैसे ये तस्वीर पहुंची? क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी मिली कि 3 सेट भेजे गए थे तस्वीरों के। हाँ, पहले सबसे पहले जो आज से 10-11 दिन पहले जो तस्वीर मिली थी इंडियन एम्बेसी के थ्रू, वो ब्लैक एंड व्हाइट में थी, उसके माँ बाप की और एक बच्चा था। तो उस ये तस्वीर मैंने जैसे ही उसको देखा ही फौरन उसको रिकॉग्नाइज किया कि ये मेरे पापा थे, लेकिन उस बच्चे को जो है ना इसने रिकॉग्नाइज नहीं किया। और फिर जो है मैंने उसने कहा कि मेरे भाई बहनों की तस्वीर बनवाओ, ये तस्वीर काफी झांकी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई बहनों की तस्वीरें बनवाओ, कुछ तस्वीरें बनाओ। तो मैंने उनसे बस एक ईमेल के जरिए कि आप जो है वो उसकी वैसी तस्वीरें भेजे, उसको रिकॉग्नाइज तो उसने कर लिया है, लेकिन वैसी तस्वीरें भेजे ताकि जो है वो काफी जो है वो पक्का रिकॉग्नाइज कर सके और आसानी हो सके। तो उन्होंने मुझे कल ये तस्वीर जो भी ये दिखा रही है गीता, उसको कल जो है वो ये तस्वीर दिखाई, तो उसने ये फौरन पहचान लिया और अपने पास तस्वीर को देने से भी इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं अपने पास रखूंगी और ये मेरी फैमिली है, मेरे माँ बाप है, चार भाई है, इसको एक बहन है। अच्छा, हम देख पा रहे हैं कि वो तस्वीर गीता के हाथ में भी है। अगर गीता हमें बता सके कौन कौन उस तस्वीर में है, किन किन को गीता ने पहचाना? ये अपू है इसके, ये इसकी वालदा है, इसकी मम्मी है, ये इसके पापा है, ये बहन है इसकी, ये भाई, ये सारे मैं आपको तस्वीर करीब से दिखाऊंगा। अच्छा, तो जो ये तस्वीर इस वक्त दिखाई जा रही है, गीता ने इसको देखते ही पहचान लिया था? मतलब ये पुरानी तस्वीर है या नई तस्वीर है? क्योंकि इतना वक्त हो गया अपने माता पिता को देखे हुए, परिवार के किसी सदस्य को देखे हुए। इसको देखते ही इसने पहचान लिया और तस्वीर हमें देने से भी इनकार कर दी। इसने कहा कि ये मैं अपने पास रखूंगी और आप दूसरी प्रिंट आउट निकाल लो और ये मैं तस्वीर अपने पास रखूंगी और मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है। और आज सुबह जब मैं इसके पास गया तभी ये मुझे बता रही थी कि ये मेरे भाई बहन है, मुझे कब भेजोगे? एक हफ्ते पहले, हफ्ते दस तकरीबन 7-8 दिन से उसने अपना सामान सारा पैक करके रख लिया है, पेटी में डाल के कपड़े वपड़े पहुँचाना चाह रही है ये। और रोज मेरे पास आती है, मेरे ऑफिस में मेरे से लड़के जाती है, तो मुझे भेज नहीं रहे, कब भेजोगे मुझे? फैजल साहब, क्या क्या उम्मीद है कि कब तक वापसी होगी? 26 अक्टूबर जो है वो मुझे इंडियन एम्बेसी ने डेट दी है और उसके काम हो रहा है, टिकट्स वगैरह जो है वो अच्छे से करने की तैयारी कर रहे हैं सब। और उम्मीद है कि जो है 26 अक्टूबर को गीता यहाँ से अपने वतन हिंदुस्तान पहुंचे। जी, आपने गीता को बहुत सहेज कर रखा फैजल साहब, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए भी और गीता के भावों को शब्द देने के लिए भी।